मैं कह रहा हूँ साउथ वालों ने बॉलीवुड वालों को अच्छे से धो दिया है भाई ये मूवी। सो व्हाट्स अप एवरीवन एंड होपफुली दिस इज योर वेलकम टू माय यूट्यूब। आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो आज हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, हम लोग मैं तो अभी सिर्फ मैं ही देख रहा हूँ, अभी बाकी दोस्त भी मिलेंगे। सो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं सेकेंड शो देखने, KGF चैप्टर 2 का सेकेंड शो देखने। गाइस बहुत दिनों का इंतजार था, 2018 में आई थी फर्स्ट चैप्टर, पहला फर्स्ट चैप्टर बनाया था 2018 में, अब 2022 में आ रहा है 4 साल बाद। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। अभी सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, अभी हम लोग ऑफिस में मिलेंगे, मतलब यानी ये गौरव भैया आएंगे उनकी कार से, तो अभी हम लोग जाएंगे और मूवी देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा गाइस। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रॉकी भाई। सो भाई चलते हैं एंड देखते हैं KGF चैप्टर 2। अभी मैं जाऊँगा अमन के घर, उसको उठाऊँगा, फिर राजेश आएगा, फिर भैया आएंगे गौरव भैया कार से, फिर हम लोग देन हम लोग जाएंगे इटारसी। इटारसी यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग वहीं पे देखने जाएंगे क्योंकि वहाँ पर मैं गए थे होशंगाबाद, तो हम लोग तो जा चुके हैं लेकिन इटारसी में गए नहीं, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं इटारसी, गोल्ड मार्क। सो गाइस चलते हैं वहीं, देखते हैं KGF। सो गाइस वीडियो में गाड़ी नहीं दिखा तो मज़ा नहीं आता, वो खड़ी अपनी गाड़ी ना हो वो गाड़ी अपनी गाड़ी नाले के बाजू में खड़ी है और धूप इतनी तेज़ हो रखी है, अभी हो रखा है 40 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, अभी 40 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, धूप बहुत तेज़ है, इसलिए टॉवल लेकर जा रहा हूँ, इसलिए रुमाल लेकर जा रहा हूँ। सो बस हवा डलवाते हैं गाड़ी में, फिर अमन को उठाते हैं, अमन को उठा के ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में भैया आएंगे, राजेश आएगा और भैया के साथ एक दोस्त आएगा उनका, फिर हम लोग जाएंगे KGF देखने, KGF चैप्टर 2। छाले के कारण बोलते नहीं बनता, हल्का हल्का सा थोड़ा सा दिक्कत आती है, देखो धूप कितनी तेज़ है, बहुत तेज़ धूप है भाई, कम प्यारी देखो कितनी गंदी हो रखी रे, शर्म कर रहा हो शर्म। चलो भाई हवा डलाते फिर चलते हैं, नहीं यार हाँ ये नहीं पोस्टर यार पोस्टर के सामने खींचेंगे। सो गाइस मूवी देख ली गई है, हम लोग सब लोग गए थे मूवी देखने और बहुत ही ज़ोरदार, बहुत ही दमदार, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके क्लिप मैंने भी रिकॉर्ड किए हैं कुछ, लेकिन डाल नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं डाल नहीं सकता। एंड बहुत ज़्यादा स्टोरी बहुत ज़्यादा दमदार है, बहुत ज़्यादा स्टोरी दमदार है और एक्शन तो बहुत ही ज़्यादा है बॉस, बहुत ही ज़्यादा एक्शन है। बस थोड़ा सा लास्ट वाला सीन थोड़ा सा इमोशनल कर देता है, वो तुम देखोगे तुमको पता लग जाएगा। अभी तो बहुत देर तक, बहुत दिनों तक की बुकिंग है इस मूवी की, हमने खुद ने ये मूवी के आने के आए 1 हफ्ते पहले बुक करी थी टिकट, 6 टिकट बुक करी थी हम लोगों ने 1 हफ्ते पहले ही इटारसी में। सो गाइस बहुत ज़ोरदार मूवी है, बहुत ही ज़ोरदार मूवी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। किसी से भी पूछोगे ना तो बंदा बोलेगा भाई बहुत मज़ा आया, कोई कमी नहीं, एक कोई मिनट नहीं, मतलब 3 घंटे की मूवी है और 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि यार बोर हो रहा हूँ, 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि यार बोर हो रहा हूँ। और सबसे बेस्ट सीन, सबसे बेस्ट झटके देने वाला सीन उसमें था, कौन सा, सपने वाला सीन। अभी तुम देखो, अभी तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, उसके बाद तुम जाओगे मूवी देखने तो उसमें एक सपने वाला सीन आएगा, मतलब बंदी को सपना आता है, यश की बंदी को सपना आता है, रॉकी की बंदी को सपना आता है। ओ भाई वो सीन तो इतना ज़ोरदार है कि मैं और बाजू में बैठे भैया हमने कहा ओ भाई साहब ये क्या हो गया, ये तो सपने में फिर उतर, तो ये सपना है, सपना नहीं ये रियलिटी है। अरे आप तुम देखना वो सपने वाला सीन, तुम देखना बहुत ही ज़ोरदार है बहुत। और मूवी की जो रेटिंग है वो 9.8 की रेटिंग आ रही है और मैं कह रहा हूँ साउथ वालों ने बॉलीवुड वालों को अच्छे से धो दिया है भाई ये मूवी देखने के बाद। लगातार मूवी फेंक रहे हैं यार, एक से एक, पुष्पा, RR, फिर KGF 2, अरे बहुत ज़ोरदार यार, बहुत ही ज़ोरदार और बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। और मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया था थिएटर का इसलिए क्योंकि थोड़ा सा हम लोग लेट हो चुके थे, एक्चुअली क्या हम लोग लेट हो चुके थे इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया था आसपास का। उसके पोस्टर तो एक तो उन लोगों ने तो पोस्टर भी नहीं लगा जाता बड़े बड़े, जो थिएटर वाले ने पोस्टर भी नहीं लगाए बड़े बड़े KGF के, बस छोटा सा पोस्टर लगा था, वो भी मुझे जब देखा जब मैं जा रहा था तब मुझे पोस्टर देखा KGF 2 का। बताओ भाई इतनी बड़ी पिक्चर कम से कम बड़ा पोस्टर लगाओ उसका, बड़ा पोस्टर। सो गाइस अभी जो साउथ वाले हैं ना वो बॉलीवुड वाले को बहुत ही कर्रा पील रहे हैं और ऐसा ही पीलते रहेंगे मुझे लगता है, क्योंकि इन बॉलीवुड वालों का कभी एटीट्यूड गया नहीं है, इनको पता नहीं कहाँ का घमंड है। और इनकी मूवियों की रेटिंग देखो, IMDB की रेटिंग देखोगे तो कितनी, एक एक दो दो तीन तीन की इरादे, एक रेटिंग शराम करो, 1.9 की रेटिंग इरादे की, शराम करो यार बॉलीवुड वालों, शराम करो, अपने ईगो को हटाओ और अच्छी मूवी लेकर आओ तो चलेगी, नहीं तो तुमको साउथ वाले तो खा ही चुके हैं, आधे तो खा गए हैं और आधे फ्यूचर में खा ही जाएंगे वो लोग, ऐसी ऐसी मूवी दे रहे हैं भंडार, 500 करोड़ की मूवी दे रहे हैं। सो गाइस बहुत कर रही मूवी है, उम्मीद है आप लोग भी जाएंगे और आप।
सो भाई आरआर और केजीएफ देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बॉलीवुड वालों का अगर ईगो नहीं गया है ना तो साउथ वालों की बस चार पांच और फिल्में आ गई ना तो समझ लो गया बॉलीवुड। बॉलीवुड का तो खाई गया साउथ, क्योंकि इन बॉलीवुड वालों का ईगो नहीं जाता। अब आलिया कल की बच्ची कौन सी लड़ बैठी राजा मौली से, शर्म करो शर्म करो, कल की बच्ची हो तुम। हाँ उसको बोल रहे हो कि मुझे साइड रोल दिया है और मेरे ऑडिशन लिया है ऐसा वैसा। कल की बच्ची हो तुम और तुम्हारी फिल्में तो देखो यार, शर्म करो। आईएमडीबी की रेटिंग तुम खुद देखो, तुम्हारी फिल्मों की बॉलीवुड वाले की तुम खुद देखो, कुछ गिनी चुनी पिक्चर ही है जिनकी 8 पॉइंट से ऊपर कुछ रेटिंग गई है, कुछ गिनी चुनी पिक्चर है, ज़्यादा नहीं है पिक्चर बॉलीवुड वालों की। और अब साउथ वाले को देखो यार, पुष्पा की रेटिंग देख लो उठा के, आरआर की रेटिंग देख लो उठा के, इसकी देख लो अपने उठा के, केजीएफ की देख लो यार। केजीएफ की मैंने जैसे ही मूवी देखी उसके तुरंत बाद देखी मैंने रेटिंग, 9.8 की रेटिंग यार, वहीं पे बैठे बैठे देखा था मैंने। 12 से 3 के शो में गए थे हम लोग तो वहीं बैठे बैठे मैंने देखा। सोचो आप कहाँ स्टैंड करते हैं साउथ वाले अब के टाइम में, वो पहले का टाइम गया भाई, क्योंकि और वो थोड़ी कल्चर वाली फिल्में बनाते हैं। अब KGF चैप्टर 2 में तुम एक भी सीन मुझे बोल्ड सीन दिखा दो, कोई भी बोल्ड सीन नहीं है, एक भी किसिंग विसिंग कोई भी सीन नहीं है, वो इस सब चीज़ पर ध्यान नहीं देते। और तुम्हारी फिल्में तो बनती नहीं है बिना चुम्मे चाटी के, ये रियलिटी है, बिना चुम्मे चाटी के तुम्हारी फिल्म तो बनती ही नहीं है भाई बॉलीवुड वालों की। बात साफ बात भाई, बहुत मैं खुद पहले बॉलीवुड में पहले खुद साउथ को नहीं देखता था, मैं खुद यार साउथ को नहीं देखता था, कसम से कह रहा हूँ मैं साउथ की फिल्में बिल्कुल नहीं देखता था। लेकिन अभी अभी जो मैंने देखा है, मैंने जो अपने खुद से देखा है, मैंने कहा नहीं यार साउथ वाले डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट, डिजर्व करते हैं पैसा, डिजर्व करते हैं फैन। और भाई इस मूवी का ना जो थर्ड पार्ट भी आएगा, सो उसके लिए भी एक्साइटेड रहिए। अभी तो पहले सेकंड पार्ट देखिए और उसके बाद थर्ड पार्ट देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। मैंने इस वीडियो में कम से कम 50 एक बार बोल दिया बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़ोरदार है, बहुत ज़ोरदार है। तो मेरे इस रिएक्शन से ही आपको लग रहा होगा कि मूवी बहुत अच्छी होगी और वाकई में मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो गाइस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें एंड चैनल सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर क्या बोल रहा हूँ यार, छाला बहुत दर्द कर रहा है तो साला। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे पॉजिटिव, जय श्री राम। कल हनुमान जयंती है, शूट करेंगे कल, बहुत मजा आएगा। जय श्री राम।